तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, टिकटॉक पे आप टी शर्ट या शॉर्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। वीडियो जब भी आप शूट करेंगे तो आपको टी शर्ट पहने हो या फिर शॉर्ट पहने हो या फिर जैकेट पहने हो, तो आपको एक कलर का होना चाहिए। जो कलर का आप टी शर्ट या शॉर्ट आप पहने होंगे तो वो आपको बैकग्राउंड में वो कलर नहीं होना चाहिए। तो इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वीडियो को आपको कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक अप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, काइन मास्टर, वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। तो मैं वीडियो को एक बार प्ले कर कर देख लेता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो में जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लिए क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा है, तो हमने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टूल लेफ्ट कर दिए हैं। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ ले कर आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है और जो वीडियो का राइट साइड का पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा है। तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल राइट कर देंगे। इस तरह से लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो चुका है, राइट साइड का जो पार्ट एक्स्ट्रा था रिमूव हो चुका है। यदि आपका बीच में कोई पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको कैसे रिमूव करना है, मान लो 9 सेकेंड से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, 9 से लेकर 11 सेकेंड के बीच में, यानी कि 2 सेकेंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान के क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर जैसे कि हम 11:00 पर आए हैं तो बीच का जो पार्ट जो हमारा एक्स्ट्रा है तो क्या करना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे और ये जो पार्ट है इसे हमें डिलीट करना है। तो सिंपल हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट के ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का, तो सिंपल इसे हमें डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आपको बीच में भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और स्पीड डुप्लीकेट यस लेयर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, फर्स्ट ओरिजिनल वीडियो के लेयर ये रहा और सेकेंड वीडियो के लेयर हमारा ये रहा। तो आपको क्या करना है, सेकेंड वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैंची के बगल में एक आपको ऑप्शन मिल जाता है एक बॉक्स टाइप का, तो इस बॉक्स पर क्लिक करना है और ऑफ के बाय साइड में एक फुल साइज का एक बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स को क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो वीडियो जो है आपका फुल साइज में हो जाएगा। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, इसके बाद सिंपल वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और इसे हमें इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आएंगे, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको वही कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर का आप टी शर्ट या शॉर्ट आप पहने होंगे, इसके बाद डन कर देते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें सही तरह से आपको एडजस्ट हमें कर लेना है। जो शॉर्ट या टी शर्ट जो है वो आपको हमें ब्लैक दिखना चाहिए और बाकी का पार्ट जो हमें वाइट दिखना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो सिंपल मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सही तरह से एडजस्ट कर दिया हूँ। इसके बाद डन करना है, इसके बाद फर्स्ट वाले वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, वीडियो को आगे की तरफ करना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे कि चुटकी बजाता हूँ, तो सिंपल इस पोजिशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और वीडियो को आगे की तरफ करना है। अब जैसे कि देख सकते हैं हम सेकेंड टाइम जैसे यहाँ पे बजाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं गर्दन को ही उतरन लेता हूँ, तो इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो को हमें फिर से आगे की तरफ करना है। अब देखिए जैसे हम इस साइड किया हूँ तो इस पोजीशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है।
जैसे हम फिर यहाँ पे बजा रहे हैं तो फिर से वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इस तरह से आपको स्पीड टू प्ले हिट कर कर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और जो फर्स्ट वाले आपको कुछ नहीं करना है, सेम कलर के आपको रहने देना है। सेकेंड पे आना है और यहाँ पे आपको कलर फिल्टर पे आना है, आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कलर जो है एडजस्ट आपको सही तरह से नहीं हुआ, तो मैं इसे भी एडजस्ट कर दूंगा। सेकेंड पे आना है, कलर फिल्टर पे आना है, यहाँ पे आपको कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो सिंपल मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आएंगे, कलर फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे हम इसे रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे आएंगे, कलर फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे हमें ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लास्ट पे आते हैं, फिर से हमें कलर फिल्टर पे आना है और यहाँ पे मैं ब्लू कलर या रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो रेड कलर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको कलर यहाँ पे एडजस्ट आपको करना है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो क्लियर पे कलर एडजस्ट पे आएंगे, यहाँ से आपको कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे थे आपको बाल पे भी हमारा ब्लू कलर आ रहा था, तब देख सकते हैं ब्लू कलर जो था यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ से एडजस्ट भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो मैं सिंपल एडजस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको सारे में जाना है, कलर एडजस्ट कर कर आपको यहाँ से आपको कलर एडजस्ट आपको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कलर एडजस्ट कर दिया और वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आपको यहाँ पे साउंड ऐड करना है, ऑडियो पे आना है और जो भी यहाँ पे आपको साउंड ऐड करना है तो बिल्कुल आसानी से वीडियो को क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको साउंड यहाँ से ऐड कर लेना है। यदि आपके पास कोई वीडियो है और उस वीडियो में से आपको साउंड ऐड करना है, तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और जो वीडियो आपने डाउनलोड करके रख रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो को डिलीट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों